तो दोस्तों स्वागत है आप सभी लोगों का एक बार फिर से एक बिल्कुल ही लेटेस्ट वीडियो में। तो दोस्तों हम अभी तक कभी मैं कभी तुम इस ड्रामा के सभी प्रोमोज के ऊपर रिएक्ट कर चुके हैं। सभी नहीं मतलब 20 एपिसोड के प्रोमोज तक हम अभी तक रिएक्ट कर चुके हैं, उसके बारे में थोड़ा हम अपना ओपिनियन बता चुके हैं दो वीडियोस के अंदर, ठीक है। उसके बाद हमने इस ड्रामा के एडिट्स के ऊपर रिएक्ट करा है, लेकिन अभी तक हमने इस ड्रामा के किसी भी बेस्ट सीन के ऊपर रिएक्ट नहीं करा है जो थोड़ा बड़ी लेंथ का हो। अभी तक हमने सिर्फ छोटी छोटी क्लिप्स ही देखी हैं, प्रोमो भी मतलब एक मिनट का प्रोमो नहीं होता, सिर्फ 30-40 सेकंड का ही प्रोमो होता है। तो सिर्फ अभी हमने उस तरीके की चीज़ों के ऊपर ही रिएक्ट करा है। तो स्टार्टिंग से ही एक सीन के बारे में कमेंट सेक्शन में हमें बहुत ही ज़्यादा तारीफ सुनने को मिली है। ये वो वाला सीन है जब मुस्तफ़ा अपनी बीवी शर्जीना के लिए स्टैंड लेता है। अब लोग इस सीन को इतना ज़्यादा पसंद क्यों करते हैं, इसका भी रीज़न मेरे दिमाग में एक है, क्योंकि हम प्रोमोज देख चुके हैं तो स्टोरी लाइन का स्ट्रक्चर काफ़ी हद तक हम समझते हैं। उसमें हमने ये चीज़ नोटिस करी थी। आप वो वीडियोज़ भी चेकआउट कर सकते हो, अगर आपको समझ नहीं आ रहा मैं किस बारे में बात कर रहा हूँ, आप वो वीडियोज़ भी देख सकते हो। उसमें हमने देखा था, इसके बारे में बात करी थी कि मुस्तफा उतना खुल के बहस नहीं कर पाता अपनी फैमिली के साथ, या जिस तरीके से तू तड़ाक में बात होती है वो उस तरीके का इंसान नहीं है, काफी शांत वो रहता है अपनी फैमिली के साथ। जब इंसान व्यूअर्स ऐसा सोचते होंगे कि कोई खतरनाक सा जवाब दे दे ये इन सभी लोगों को, लेकिन मुस्तफ़ा ऐसा कुछ भी नहीं करता। तो ये जो ये वाला सीन है जहां पर ये लिखा हुआ है, इस वीडियो का टाइटल है मेरी बीवी की इंसल्ट की तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा, तो मुझे लगता है कि ये वाला सीन लोगों को इस वजह से ही ज़्यादा अच्छा लगा होगा, क्योंकि इसमें इसने खुल के डिफेंड करा होगा और लड़ाई झगड़ा भी कुछ हुआ होगा अपनी फैमिली के साथ, जो कि मुझे थंबनेल में दिख रहा है सभी पूरी फैमिली एक ही रूम में जमा हो गए हैं। बाकी 8 मिनट का सीन है, अच्छे तरीके से देखते हैं, इसके बारे में आखिर में बढ़िया तरीके से बात करेंगे। लेकिन वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप सभी लोग सब्सक्राइब कर दें चैनल को, ऐसे ही प्यार और सपोर्ट आप लोग बनाए रखो, और कमेंट सेक्शन में आप लोग अपने ओपिनियन जरूर हमारे साथ शेयर करो कि हमें और किस सीन के ऊपर रिएक्ट करना चाहिए। अगर आप लोग कफारा ड्रामा के फैन हो तो आप उसके बारे में भी बता सकते हो कि उसमें सबसे ज्यादा बेस्ट सीन्स कौन से हैं, तो उसके ऊपर भी हम जरूर एक रिएक्शन वीडियो लेकर आएंगे आप सभी लोगों के लिए, ठीक है। लेकिन सब्सक्राइब कर देना ताकि जब भी कोई वीडियो आए आप सभी लोग देख सको उन वीडियोस को सबसे पहले। फिलहाल सभी चीजों को साइड पर रखते हैं, इस सीन पर चलते हैं, इसे देखते हैं और उसके बारे में बात करते हैं। चलो शर्जी, तो चलने की बात हो रही है। आज के बाद शर्जीना की इंसल्ट करने के बारे में किसी ने सोचा भी तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। ओके चुप रहता हूँ इसलिए क्योंकि इज्जत करता हूँ आप लोग, कमजोर नहीं हूँ मैं। जल्दी अच्छा इंट्रो था, तूफान से पहले का इंट्रो, लेकिन इंट्रो में ही इंटरेस्टिंग लग गया। What's up? क्या व्हाट्सअप? क्या हुआ? Are you okay? Don't touch me. मेरे गेस्ट आए हैं, मेरे घर वाले, तुम्हें किसी ने बुलाया? क्यों आई? आंटी What auntie? ऐसा कैरेक्टर है ये? कैसे बात कर रही है? वो सब क्या मतलब? I live here. I thought I should say hi hello to your family. भाड़ में जाओ तुम और भाड़ में जाए तुम्हारा हाय हेलो, ठीक है? Stay away from me and my family. समझ आ रही है? आखिरी दफा समझा रही हूँ। क्या हो रहा है यहाँ पे अम्मी? I don't know. She's having a fit. I don't know why she's misbehaving like this. मुझसे और मेरे घर वालों से दूर रहो, ठीक है? That's it. क्या हुआ? बढ़िया। Why are you getting so worked up? What happened? कुछ सच कह दिया मैंने? Oh, something has triggered you, right? Especially when someone was so desperate to get married once. I understand. Yes, desperate. ज़बान संभाल के बात करो वरना मैं तुम्हें कुछ ऐसा कह दूँगी तुमसे सहा नहीं जाए। Oh, really? Like what? कबाब, बात खत्म करो, चलो। No. I think she needs to hear this now. अदील ने तुमको छोड़ के मुझसे शादी करनी, right? तुम्हारे पेरेंट्स ने उसी वक्त तुम्हें उठाकर मुस्तफा के हाथों में दे दिया। वाओ, व्हाट अ सेल्फ रिस्पेक्ट। नाउ यू आर येलिंग एंड स्क्रीमिंग इन फ्रंट ऑफ मी लाइक दैट। वेयर वाज योर सेल्फ रिस्पेक्ट दैट टाइम हनी? हम जैसे भी हैं ना, तुम जैसे कहीं बेहतर हैं। एटलीस्ट मैंने पैसे देकर अपना शौहर खरीदा नहीं है तुम्हारी तरह। वो मेरी जूतियां नहीं सीधी करता रहता, वो मेरे पैसे की वजह से मेरी गुलामी नहीं करता।
So, facts. अगर तुम्हारी पर्सनालिटी में से ये सारा पैसा निकाल दिया जाए तो क्या बचता है? एक खोखली पर्सनालिटी, एक खोखली शक्ति, that's it. Now she's crossing her limits. Ask her to shut up. ये सच बोला भाई. क्या डायलॉग लिखे हैं? माफी मांगो रबाब से. Apologize. Right. ये तो कोई ऑडियंस में भी नहीं सोच सकता ऐसे जवाब. माफी मांगो इससे. तुमने खामखा बात को बढ़ाया है. तुम्हारे सपने में भी नहीं. इससे पहले कि उठ जाए और ये सारा तमाशा देखे, तुम रबाब से माफी मांगो. अम्मी मैं माफी नहीं मांगूंगी. ज्यादा मेरे साथ हुई, आप उन्हें क्यों माफी मांगने के लिए कह रही हैं? आंटी छोड़ें, ये माफी नहीं मांगेगी. आई कैन अंडरस्टैंड, शी इज हर्ट, ऑफ कोर्स शी इज अ ह्यूमन, सो इट्स फाइन. आई एम जेलस. या मैं तुमसे जेलस हूं. तुम्हें सच में लगता है मैं तुमसे जेलस हूं? और तुमने आदिल को मुझसे छीन लिया है शायद, और शायद तुम कुछ जीत गई हो. ये ऐसा ही लगता है तुम्हें? लेट मी क्लियर आउट फॉर यू, मुझे आदिल जैसा इंसान कभी चाहिए ही नहीं था. इस जैसा टॉक्सिक और सेल्फ सेंटर्ड मुझे नहीं चाहिए था. इतना खुद अब चुभेगा, अब चुभेगा उसे. और तुम दोनों जितने सेल्फ सेंटर्ड, टॉक्सिक, सेल्फिश हो ना, एक दूसरे के साथ बिल्कुल सही है. यू गाइस डिजर्व ईच अदर. एनफ शर्जीना. व्हाट इन अबाउट बेयर शी स्पीक टू माय फैमिली लाइक दैट? मम्मी. या शर्जीना, मैं तुमसे कह रही हूं क्रेजी. बल्कि अब तुम आदिल से भी माफी मांगोगी. मम्मी, उसने मेरे घर वालों से बदतमीजी की है, मैं माफी नहीं मांगूंगी. हैरत हिमश, मैंने तुम पर एहसान किया कि मैंने मुस्तफा की शादी तुमसे की तुम्हारे ससुर के कहने पर, और बजाय इसके. अच्छा, ऐसा हुआ था? तुम बदतमीजी कर रही हो. समझती क्या तुम अपने आप को? एहसान, मैंने ठुकरा दिया तो डेस्परेशन में मेरे भाई से शादी करें? ये गैरतमंदी है तुम लोगों की? ये या इस चीज का इंतजार था ये? मैं या क्यों कर रहा हूं यार? रुबाब का असर है. अब मैं चाहता हूं मुस्तफा मेरा दिल खुश कर दे भाई कुछ बोल के, क्योंकि प्रोमोज में तो मैं बहुत ही डिसअपॉइंट था. मैं माफी नहीं मांगूंगी. मेरे साथ ज्यादती हुई, इसने मेरे घर वालों से बदतमीजी की, मैं किस बात की माफी मांगूं? जाओ रहे हम. See for yourself now. आपसे बात नहीं करना, आप चुप रहिए ना. अच्छा, ये तरीका शर्जीना से बात करने का? इसको तमीज से कहो, मैंने कुछ कह दिया ना, अच्छा नहीं होगा. बस कर लिया बर्दाश्त. आप शर्जीना की इंसल्ट किया तो मुझसे बुरा तो क्या? Hey, how dare you speak to my husband like that? Who the hell are you? आपसे कहा ना चुप रहने के लिए, समझ नहीं आती आपको बात? बात कैसे करीफ वापस बीवी की कमाई पे पड़ने वाले नजर. हाँ, आज आके मुझे आंखें दिखाओगे? मुझे हाथ लगा लिया था शर्जीना के बारे में कुछ नहीं. आके नीचे कर दो. अच्छा अच्छा के बारे में कुछ बता दियो. आप इस लड़की के बारे में बात कर रहे हो? कल तक मुझसे इश्क लगाती थी. आठ तो कैसे घटिया लोग हैं यार. नमाज पढ़ी जा रही थी? हाँ, नहीं जिस तरीके से बैठे हुए थे मुझे लगा नहीं नमाज पढ़ रहा. क्या हो रहा है? बस करो, खुदा का वास्ता है, तुम्हें बूढ़े बाप का भी ख्याल नहीं है? तुम्हारे आगे हाथ जोड़ता हूँ. ये सब इसका किया जरा, इसने फसाद मचाया. पूछिए अपनी बहू से. आंटी प्लीज, आप रिलैक्स करें. आप क्या एक्सपेक्ट कर रही हैं? इतनी बदतमीज लड़की है, हर किसी में लड़ाई डरवा दी है इसने. प्लीज, आप फिर बोल रही हैं? आपको बोलो ना खामोश रहने के लिए. क्या किसी और को दो? बात करो ना. रुक जाओ तुम लोग. ये दिन देखने के लिए मैं जिंदा था कि मेरे दोनों बेटे स्थान रहेंगे. चैन आ गया, तुम्हें सुकून मिल गया? यही तो चाहती थी ना तुम? यही चाहती थी बस अम्मी. चलो शशि, सबको कह रहा हूं मैं, आज के बाद शर्जीना की इंसल्ट करने के बारे में किसी ने सोचा भी तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा. चुप रहता हूं इसलिए क्योंकि इज्जत करता हूं आप लोग, कमजोर नहीं हूं मैं. शर्जीना को जलील करने का हक किसी को नहीं दूंगा, सबको कह रहा हूं.
बढ़िया। मैं तो भाई इमोशनल हो गया यार। तो दोस्तों ये हालत है, ठीक है, मतलब प्रोमोस में देख चुका हूँ, दो वीडियोस प्रोमो के ऊपर भी रिव्यू हमारे आ चुके हैं 20 एपिसोड तक, तो उसमें हम हर एक कैरेक्टर के बारे में समझते हैं किसका कैरेक्टर आर्क कैसा है, किसका बिहेवियर कैसा है। जैसे इस फैमिली में बहन है, ठीक है, मुस्तफ़ा की बहन है, उसका हमें पता है कि वो अच्छी है, मतलब उतना कुछ मेरे लिए सरप्राइजिंग होना नहीं चाहिए था, मुझे सिर्फ सीन देखना था यहाँ पर और क्या क्या डायलॉग चल रहे हैं, क्या क्या सिचुएशन किस तरीके से टर्न हो रही है, मैं तो ये चीज़ देखने आया था। लेकिन इतना ज़्यादा हिट करेगा मैंने सोचा नहीं था। अगर आप लोगों ने ये चीज़ नोटिस करी कि जब रिएक्शन स्टार्ट हुआ था तो मेरा एनर्जी, मेरा एक्साइटमेंट लेवल कहाँ पे था, मैं बात कर रहा था, आपको शायद डायलॉग भी बढ़िया तरीके से सुनाई नहीं दे रहे होंगे, मैं इतना एक्साइटेड था। लेकिन जिस तरीके से सीन आगे बढ़ा तो मेरी एक्साइटमेंट इस तरीके से नीचे आ गई, ठीक है। ये किस वजह से हुआ, ये माहौल देख के, ये डायलॉग सुन के, ये जो कैरेक्टर जिस तरीके से लिखे हैं, रुबाब का कैरेक्टर किस तरीके से वो बात कर रही थी और अदील, अदील की माँ, ऐसा एक माहौल वहाँ पे सेट हो गया ना कि मेरे को ठेस पहुंची, अजीब सा लगा मुझे। और फिर जब मुस्तफ़ा आया, जो अदील ने उसे थप्पड़ मारा, तो मेरे को लगा यार वो डोमिनेट कर गए इस सिचुएशन को, और कितने बेचारे ऐसे लग रहे हैं ये दोनों उस घर में। मतलब शर्जीना तो कह भी रही है, लेकिन फिर भी एंड ऑफ द डे वो सभी लोग मिलकर ये कह रहे हैं कि उसने, आपने देखा अदील ने अभी कहा था कि ये तो मेरे साथ इश्क लड़ा रही थी, मतलब किस लेवल तक घिर के ये लोग बातें कर रहे हैं, ठीक है। एंड पे तो मुस्तफ़ा ने ये चीज़ भी कह दी कि आप लोगों की इज्जत करता हूँ, कमज़ोर नहीं हूँ मैं। लेकिन हम सभी लोग जानते हैं, जो हमने प्रोमोज में भी देखा था, कि मुस्तफ़ा को क्या क्या चीज़ें डेली बेसिस पे सुननी पड़ती हैं अपनी फैमिली में। तो ये एक सीन देखने की वजह से काफ़ी हद तक मैं इस ड्रामा की गहराई को समझ पा रहा हूँ कि किस लेवल तक गहराई है इस ड्रामा की, एक इंसान को एक फैमिली में अपने ही लोग कितना नीचा दिखा सकते हैं, ठीक है। बहुत ही अच्छी राइटिंग थी, मुस्तफ़ा का डायलॉग भी वो एंड पे बढ़िया था, वो जो वॉक थी वो काफ़ी अच्छी थी, बैकग्राउंड म्यूज़िक वहाँ पर काफ़ी बढ़िया तरीके से यूज़ किया गया था, शर्जीना के डायलॉग, जिस तरीके से एक्ट किया सभी लोगों ने, बहुत ही बढ़िया, लेकिन दिल को थोड़ा छू गई ये चीज़। ओके गाइज, तो फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। सीन बहुत ही बढ़िया था, आप लोग कोई और चीज़ भी सजेस्ट कर सकते हो। अगर आप इस ड्रामा के ही फैन हो, इसका ही कोई और सीन आप लोग रिएक्शन देखना चाहते हो, तो आप लोग बता सकते हो, लेकिन ज़्यादा मत कहना और ये मत सोचना कि सभी चीज़ों के ऊपर वीडियो आ जाएगा। अगर कोई स्पेशल सीन है तो वही बताना, जिस तरीके से ये स्पेशल था, इस पर बहुत सारे एडिट्स भी बने हुए हैं, ठीक है, तो इस पर हम वीडियो लेकर आ चुके हैं। अगर कुछ स्पेशल है तो आप लोग बता सकते हो कमेंट सेक्शन में, या आप लिंक छोड़ सकते हो यहाँ पर कमेंट सेक्शन में, या इंस्टाग्राम पे लिंक छोड़ सकते हो, ठीक है। दोस्तों फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, मिलता हूँ आप लोगों से किसी और वीडियो में, तब तक के लिए आप लोग सब्सक्राइब कर दें चैनल को। आप लोगों से इजाजत चाहूंगा, बाय बाय बाय।